इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दूसरी बड़ी आबादी वाला देश। यहां सब लोग तकदीर का लिखा समझकर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। बस कुछ ही लोग अपना रास्ता और अपनी तकदीर खुद बनाते हैं और वही हैं हकीकत में लीडरशिप के हकदार। ऐसे ही हैं एक प्राउड इंडियन कन्नड़िगा जिन्होंने इंडिया और कर्नाटक का परचम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साथ दुनिया के और कई मुल्कों में लहराया। दुनिया में अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं होता, मगर उस इंडियन कन्नड़िगा का कहना है कि उस वक्त तक काम करो कि लोगों को तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना हो। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के नाते वो दुनिया के किसी भी देश में बड़े आराम के साथ रह सकते हैं, मगर इंडिया के हालात पर कड़ी नज़र रखते हैं और कहते हैं कि सेक्युलरिज्म एकमात्र सल्यूशन है जिससे इंडिया अपनी पहचान सबसे अलग और मजबूत रख सकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत रखने और 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश की यंग जनरेशन को शांति और एकता की मिसाल पेश करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री एच डी देवेगौड़ा, 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा करीबी दोस्त हैं। हम सबको ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो सेक्युलरिज्म को बाकी रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये वही शख्सियत हैं मिस्टर ज़फ़रुल्ला खान साहब, द पर्सनैलिटी ऑफ विजन एंड विजडम। खान साहब का कहना है, सामना करो जिंदगी में हर उस चीज़ का जो तुम्हें डराती है, जिससे तुम्हें डर लगे। या तो जीत जाओगे या तो उससे कुछ सीख जाओगे, क्योंकि हारा वही जो लड़ा ही नहीं। आइए देखते हैं ये वीडियो जिसमें उस महानायक की जीवन कथा को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि कैसे एक नौजवान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए अपने शहर मंडिया से निकलकर मुंबई से कामयाब बिजनेसमैन बनकर दुबई तक का सफ़र और दुबई की कामयाबियों को चूमते हुए वापस अपने देश आकर अपने देश की बदलते हुए हालात को सुधारने और देश में एकता को जागृत करने के लिए कैसे सेक्युलर लीडरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।
ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಬೆಟ್ಟಿ ಬರುವ ಜೋರು ನೋಡು ದಿಟ್ಟ ವೀರ ಪಡೆಯ ನೋಡು ದಂಡು ದಾಡಿ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಗಲಿಯ ಬಿರುಸು ನೋಡು ದಂಗೆ ಎದ್ದು ದಂಗು ಪಟಿಸು ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡಿನಾಟ ನೋಡು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟೋ ದೊರೆಯ ನೋಡಯ್ಯ ಇವನಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಘೋರ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಅದು ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೊನೆಯಾದದು ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ